छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में यात्री ट्रेन या तो लेट चल रही है या फिर उन्हें रद्द कर दिया जाता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को आने जाने में असुविधाएं होती है। यात्रा करने के लिए निजी वाहनों या फिर महंगी बसों में यात्रा करना महंगा हो चुका है, जिसका असर सीधे सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जनता की मुश्किलों को देखते हुए आज प्रदेश में रेल रोको आंदोलन किया है। बता दें कि रेलवे स्टेशन का इस दौरान कांग्रेसियों ने घेराव किया। इस बीच कांग्रेसियों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी हुई, नोक झोंक भी देखने को मिली है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार शहर कांग्रेस के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया था। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, रेल की सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधा पहले थी आज सारी सुविधा खत्म कर दी गई है। ऐसे में हम सब यहाँ पे रेल रोको आंदोलन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मोदी जी अपने खास दोस्त अडानी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या रिश्ता है अडानी के साथ उनका, किस तरह पैसे का रिश्ता है उनका कि उनकी मालवाहक तो गुजरती है लेकिन रेल यात्री वाली।